सो गाइज इट्स डे टू और डे वन का ऑलरेडी अपलोडेड है तो चेक कर लेना। डे टू में हम जा रहे हैं आज शिशु वैली और अटल टनल और ये सारी जगह पे। तो हमने ये कार रेंट पे लिया वहाँ पे, तो अब हम चल रहे हैं। 8 बजे निकल गए, तभी जाके सारी चीज़ें कवर होंगी और 5 बजे तक हम लोग वापस आ पाएंगे। मैं आगे बैठी हूँ, ये 3 पीछे बैठे हैं और मैं यहाँ से सब कुछ दिखाते जाऊँगी जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। तो आज के ड्राइवर है हमारे ये वाले अंकल जी। अरे मेरी एक फ्रेंड आ रही है अगले हफ्ते, तो वो मेरे से पूछ भी रही थी कि अगर कोई कॉन्टैक्ट में हो। वो अकेली आ रही है सोलो ट्रिप पे मनाली का, बहुत बढ़िया। बहुत लोग आते हैं, तो भी अकेले ही है, तो वो अकेली आ रही थी। वो मेरे से स्टे और ये गाड़ी वाड़ी में पूछ रही थी। तो इन केस आप मनाली आ रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अंकल को। मैं सारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते, चेक कर सकते। सुबह जितने बजे जाना है, जितना टाइम स्टे लेना है, सब कुछ प्रॉपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अंकल यही लोकल के ही है। हाँ, लोकल के टोटल नॉलेज है अंकल जी के पास काफी ज्यादा। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले? हम जा रहे हैं सबसे पहले कोकसर। कोकसर, कोकसर चले जाएंगे, शिशु चले जाएंगे, वो जैसे अच्छा लगेगा। और फर्स्ट में वहाँ ही जाएंगे क्योंकि स्नो ज्यादा है वहाँ। ओके, कोकसर में स्नो ज्यादा है तो हम पहले वहाँ पे जा रहे हैं। उसी वैली पे जा रहे हैं क्या? इसके बैक साइड, इसके बैक साइड पे जा रहे हैं। इसके नीचे वो 10 किलोमीटर का अटल टनल है। अच्छा, हाँ हाँ। इसको क्रॉस करेंगे फिर उसके ऊपर जाएंगे। आज हम लोग को लग रहा है जैसे ज्यादा बर्फ गिर गई है, कल थोड़ी कम थी, आज ज्यादा हो गई। गिरना शुरू हो गया, अब अप्रैल तक गिरेगा। हाँ। आपको यही मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत। तो यहाँ से हम ड्रेस लेने आए हैं, शॉप नंबर 185 अंकल ने ही बताई है। ट्यूब स्लाइड पहनने के लिए, रेंट वाला है ना ये, सेल के लिए। अच्छा, सेल के लिए है? मैं तो सेल के लिए। कौन सा रेंट का बताइए ना आपने? रेंट का, रेंट का कितना बोले? सब चीज रहेगा उसमें, ग्लव्स, ग्लव्स आपको खरीदना चाहिए, ग्लव्स के साथ दे दीजिए ना। देखो रेड वाले में चाहिए मुझे भी, रेड कलर डार्क ही ले लो ना, रेड कलर में कहाँ। ठीक है ठीक है, दे दीजिए। देख लो आप, बाहर टंगे हुए हैं जो धुले हैं वो गीले हैं। हाँ, ये वाला आएगा शिवम को आ जाना चाहिए। फिर शूज निकाल लिए, ये पकड़ो मुझे दीदी। पर्पल में है कुछ? पर्पल में मुझे पर्पल मिल जाएगा। ये उतारनी पड़ेगी जैकेट? हाँ, जैकेट तेरी पतली उसके ऊपर तू पहन सकता है। पहने रहो इसको। हाँ, पहने रहो, पतली है ना उसके ऊपर पहन सकते। फोन वगैरह रख सकते हैं? अब खुल जाएगा, जिप खोल के निकाल लेना। भाई तू पहन तो ले पहले, बैठ गया उसमें, बैठ के खोल ले। वो है बैठने के लिए पीछे। गीला है? ठंडा ठंडा ठंडा, गीला हो रहा है, समझ में आ जानी तुम्हारी। चिंटू बन गया पोकेमॉन। पोकेमॉन हाथ नहीं गए, ये है इधर है। कहाँ है ये? हाँ, हाइट भी तो बड़ी है। ओ भाई शबाब, 6.5 फीट के भी लोग होते हैं। अबे सही लग रहे लेकिन तेरे में तो सही लग रहा है। अब अपन बचे लेंगे चारों। ये जैकेट निकाल दीजिए, बड़ा ले लो, ठंड लगे क्योंकि ये स्वेटर तो हाफ है। दीदी ये जैकेट पहने रहूं मैं? हाँ जरूर, वो पहने रहा है। यार मैं सोच रही हूँ ये वाली रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो। थैंक यू, ये उनको दे दो। ये लग रहा है कलर, ये कलर से ही लग रहा है। बस वो आ जाए आपको, अब दे दो मेरे को भी ऐसे कोई। कुछ भी दे दो, ये अच्छा लग रहा है। अरे बस बस, ये इसी के लिए तो ढूंढ रहे थे। थोड़ा सा नीचे से वो है, पर जूता आ जाएगा नीचे गिल्ला, कोई दिक्कत नहीं, लौट के यही आना है। शिवम का परफेक्ट आया है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है।
भाई अपन इतने साले बोने बोने से हैं, उसके बाद अपने साइज का ड्रेस नहीं मिल रहा था। अपने साइज का ड्रेस ही नहीं मिल रहा है। कितना सुंदर दिख रहा है यार, ये कितना सुंदर है। अब आगे कहीं मिलेगा ही नहीं, फ्रिज भी नहीं रहता। अटल टनल का फोटो ले, फोटो ले। चलो अटल टनल आ गया, फ्रिज रख के जो सामान वीडियो लीजिएगा ला रहे हैं वो पैसे का पैसा ही। शिवम तुम वीडियो ले रहे हो ना उससे? फोटो तो ले लेंगे। कितना सुंदर लग रहा है ये, मेरी एक थंबनेल के लिए यहाँ फोटो क्लिक कर देना, मैं यही डालूंगी थंबनेल पर। अब तो बेटा पहले पहले आपकी खींचेंगी फिर किसी और की खींचेंगे। बस पकड़ ली तू। सच में आए हम लोग यहाँ पे, सच में यहाँ पे करने। कितना सुंदर लग रहा है ये यार, सन भी प्रॉपर आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि सन नहीं है। ये आ गए हम पास में अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल, इनका फोटो शूट भी हो गया। मेरी लाला जी के लिए। हाँ हाँ हाँ, इस साइड का तो और ही प्यारा व्यू आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है मैं सब रिकॉर्ड कर लूँ। खड़े लोग यहाँ। हाँ हाँ दीदी, ऐसी पोज अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट कर रही, अरे भैया अब तो सांस नहीं हो रही है। नाश्ता पानी चाय कॉफी खाना पीना, लंच डिनर हैवी से ही करेंगे जिसमें अपन को वो ना करना। पराठा ठीक है, पता नहीं कैमरे पे कैच हो रहा है। मैं तो नहीं आ रही हूँ बट बैकग्राउंड पे बहुत ही प्यारी स्नो आ रही है। तो गाइस नाश्ता तो हो गया है, नाश्ते में हमने खाए हैं आलू के पराठे और दही। अब थोड़ा फोटो शूट हो जाए यहाँ पे, बस खड़ी है उसके पीछे, सोच रहे हैं हम लोग वहाँ या फिर उसके उस साइड, तो देखते हैं। ग्लव्स अभी वहीं पहन लेंगे, अब पहाड़ देख लो भाई साहब, बहुत ही अच्छा मौसम है अभी फ़िलहाल। मैं कहूँगी बेस्ट टाइम है मनाली विज़िट करने का, बिकॉज आपको सब कुछ मिल जाता है और ये रोड तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। आ जाओ जल्दी तीनों की, आ जाइए अपनी। यार मेरा एक वो ले लेना शिवम, ऋतिक रोशन ए शाहरुख खान, जम कर रहे हैं अपन, ऐसे जम करें एक साथ, एक साथ आते ना तब जम करेंगे। तो जल्दी हां जल्दी चले, 2 3 मैं बाद में उठ गया, मतलब पूरी वीडियो है ना, तुम काट लेना भाई ऐसा थोड़ी करेंगे। चल चलो वही बनाऊंगी अब मैं सारे शाहरुख खान वाले पोज जो है। यहाँ पे बैरियर लग गए थे तो हम लोग यहाँ से पैदल जाना पड़ा, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं थोड़ी आगे तक। बर्फ ही बर्फ, यहाँ से तो और ही अच्छा व्यू आ रहा है। टच करें यार, ये तो निकल भी नहीं रही है भाई, ये तो निकलती रही है बर्फ। क्या हो गया, ये वैसी नहीं है कि अपन हाथ से ऐसे ले सके, पैरों को जमाते हुए रखना है। हाँ क्या, आप तो ग्लव्स पहने हो ना, दिखाइए वो। अब इसे निकालिए, किसको बर्फ को, नहीं निकलेगी ना ये, जम गई है, नहीं निकल रही है ये, नहीं निकल रही, जम गई वो, नहीं निकल रही है ये वैसी बर्फ, नहीं जो अपन ने सोचा था, नहीं नहीं निकल ही नहीं। ये जीजू ये वाली ट्राई करो, ये इसको क्या है, हम उठा सकते हैं ऐसे। अच्छा बहुत लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है, मतलब है? अब मुझे देखना पड़ेगा, भी नहीं है मतलब। मैं इस वाले हाथ में आपका ग्लव पहन रहा, यहाँ की सही है फाइनली। यार ये है सही वाला, ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम बर्फ छुई हम लोगों ने भाई, ये है सही, नाइस। हाँ को ऐसा लग रहा पूरी निकाल लो बैठे बैठे। ये देखे, वाओ, ओह माय गॉड, यार ये तो आ रही है हाथ में। सोनू भैया का फोटो शूट हो रहा है, हो गया, देख रहे हैं करा के देख रहे हैं, 20 rupees पर फोटो। अबे वो ब्लॉग में बोल दी।
मेरे वालों को पता चल गया, वो बोलेगा 100 रुपए बट आपको 20 रुपए में खिंचानी है तो 20 रुपए में पर फोटो आपका हो जाएगा। उनने ऐसा बोला है 20 रुपए सिर्फ हमारे लिए बट आप भी करा सकते हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ बनवानी हमें, एक मिनट। और भाई सोला बोला दिया उनको तो आज तो बिल्कुल इसकी तो वीडियो बननी चाहिए। चलो मैं थोड़ा रील्स वगैरह शूट करूंगी इसमें, तो तभी मजा आएगा। यहाँ पे वैसे वो वाली स्नो है जो आप पकड़ सकते हो, ये तो पूरी जम गई है। चलो भाई शिवम करो स्लिप, शिवम करो, हो जाओ स्लिप। सुन ना ये थोड़ा खुरदिला रास्ता है ना, आप हो जाओ, ये हमें लगा आप स्लिप हो रहे हो। यहाँ मरना थोड़ी, वहाँ अच्छी थी, अच्छी स्नो थी स्लिप करने के लिए वहाँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे ही होता नैबन को भी। लो लो हाँ ऐसे उतर जाएंगे यार अपन, जाओ आप चलो इधर से गया। ए भैया आराम से, ए तो हम लोग यहाँ पे बर्फ के टेडी बियर बना के फोड़ रहे हैं एंड हमने यहाँ पे बहुत सारी क्लिप्स ली हैं। मेरा फोन जो है, फोन है कैमरा डिस्चार्ज हो गया इसलिए मैं फोन से वापस रिकॉर्डिंग पे आ गई हूँ। शिवम आ रहा है, शिवम का रिकॉर्ड करते हैं पहले। तो ये देखिए शिवम, शिवम इतना बड़ा टेडी बियर बना के लाया। सोनू भैया और जीजू भी गए अपना टेडी बियर, वो है सोनू भैया, जीजू अपना अभी भी बना रहे। कहाँ है वो, बैठे वो बैठे हम लोग। शिट भाई शिवम आज तो सोनू भैया के मुंह पे गलने वाला है। ये देखो रोड कितनी साफ थी, रोड थी ऐसी और हमने जो शूट करे उसके बाद रोड ऐसी। ओह माय गॉड, मजा ही आ गया। पैसा वसूल हो गया जितने आए थे। ग्लव्स अब समझ में आया 100 रुपए के क्यों थे उस टाइम हम लोग को लग रहा था। चलो कैमरे की बैटरी खत्म है तो कैमरा उठा लेते हैं। यार ये ग्लव्स उठा लो कोई या फिर कैमरा ले लो। चलो जैकेट उससे कंफर्म कर लेंगे, अगर अब कुछ नहीं होगा तो अपन जैकेट फिर रिमूव कर देंगे। और क्या अगर शिशु में स्नो नहीं होगी तो फिर हम यहीं पे जैकेट रिमूव कर देंगे। हाँ रिमूव कर देंगे और क्या, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है हम लोगों के लिए, इसलिए इतना मोटापा कभी देखा नहीं। तीन लोगों का बैठना मुश्किल हो रहा है अब पीछे। शिवम मनी इसका चोट लग रहा है। उसमें क्या तो नाम रहता है यार उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक कोई कैरेक्टर रहता है उसके जैसा लग रहा है वो। टोक्यो तो लड़की है, टोक्यो रे 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 रे। ये जगह का क्या नाम बताया था वो, कॉकरोच कॉकरोच नहीं कोक्सर कॉकरोच कोक्सर। हमारा कंप्लीट हो गया है, कितना 1 घंटे रुके हैं अपन और ज्यादा। शिवम कहाँ है? अच्छा लेट्स गो। खाने पीने के तो बहुत आइटम्स हैं यहाँ पे। ये लोग रेट भी बाहर लिख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज कौन कितने का दे रहा है पता नहीं। चाचा धाबा, ओह माय गॉड, बस बर्फ ही बर्फ है अब तो। यहाँ पे हम अपने पैर का निशान बना दे, बन ही नहीं रहा है, बहुत हार्ड है। सॉफ्ट वाली बर्फ वहीं पे थी एंड में, जहाँ पे हम रील्स वगैरह बना रहे थे। अटल सुरंग रोहतांग यहाँ पे ना, और ये है सही बर्फ यार, मतलब बिल्कुल फ्रेश लग रही है ये वाली, शानदार है यार। हाँ इसलिए फ्रेश है। कैसी आ रही फोटो? मेरी फोटो खींच दे यार शिवम यहाँ पे, किस साइड वाले में, इस साइड वाले में ही अच्छी आएगी थोड़ा, मतलब दूर से पीछे हो। हाँ आपका ऑपोजिट आएगा ये, क्या शिशु है यार, बहुत अच्छा जगह है यार, मेरे को ये ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे रिवर भी है यार, शाम के टाइम बहुत मस्त लगेगा ना, ठंड में भी हालत खराब हो जाएगी। फोटो अपनी। चलो मैगी और मोमोज पार्टी हो रही है शिशु वैली में। ये वैसे पास है वहाँ से ना, मेरे को लग रहा है अटल टनल इसके जस्ट पीछे ही होगा, है ना? हाँ इसके बैक साइड ही होगा। ठंड लग रही है? हाँ ठंड तो लग रही है वैसे, बर्फ एक साइड है, एक साइड कम है, इस साइड है ही नहीं, मतलब परफेक्ट वेदर है ये। और मुझे नवंबर मंथ सही लगा है आने के लिए। 23% हो गई भाई बैटरी। ओ माय गॉड,
डीजे का ही लेना वही ठीक है, बाकी गरम गरम मजेदार। फिर से आया शिवम से बिस्किट लेने के लिए। दो भाई, वो इतनी दूर से आया, तुम्हारी इतने अच्छे से देख रहा है वो। तो वैसे मधु सिंह को हाथ पकड़ ले। शिट शिट शिट, कहां गया वो बिस्किट? खा लिया भाई उसने कम से कम। चलो यार यहाँ से उतर जाएंगे सोनू भैया। अपन क्या कर रहे हो? स्लिप तो हो रही है ना खुद। तू क्या करेंगे और नीचे? मैं तो एकदम फ्लैट। नीचे उतर आए हम लोग। शिशु शिशु वैली है ना ये? शिशु वैली के नीचे जीजू तो आगे चलेगा। वहां से उतरने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको यहीं से उतरना पड़ेगा। मुझे एक वीडियो बनानी है वहां पे वाइट वाले पे, बहुत ही सुंदर आएगी वो। सन भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल कर्व आ रहा है, बहुत ही सुंदर यार। तो हम लोग नीचे आ गए हैं, हम और शिवम ही आए, सोनू भैया और जीजू नहीं आए। तो यहाँ पर थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, बट जो फ्लो है वाटर का वो बहुत ही सुंदर है। मैं दिखाती हूँ सी, और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। बट मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा दूर ही रहना, ज़्यादा होशियारी भी नहीं ठंडिया में। बट यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही एडवेंचरस पर्सन है तो ही फिर बाइक लें, अदरवाइज तो कार बेस्ट है यहाँ से है जाने का। हाँ नहीं, और ये देखिए अभी कितना रश हो गया। मॉर्निंग टाइम पे नहीं था जब हम लोग आए थे, सही टाइम। भीड़ में मजा ही नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता है, नहीं तो बहुत ही हॉश पॉश हो जाता है। चलो भाई लेट्स गो। ये यार रात में तो और ही सुंदर दिखती है। ठंड है सोलांग वैली में, और ये क्या है, रोप वे ऊपर तक लेके जाते हैं यहाँ रोप वे में। नहीं तो फिर मेरे को लग रहा है रोप वे का भी बट महंगे ही चार्ज लेते होंगे, 700-800। और पैराग्लाइडिंग 3600 आई गेस, 3500-3600 के हाँ इसी कुछ के अकॉर्डिंग। बाकी केसर मिल जाएगा यहाँ, केसर चेक कर लेना। केसर लेना तो अभी भी साइड में है लोग, यहाँ पे केसर बड़ा भी दे रहा है, केसर की ले सकते हैं। तीन ग्राम 300 रुपए केसर सोलांग वैली में। चलो फाइनल कितना ले रहे हैं जीजू, शायद मेरे को लग रहा है ये जा रहा है यार, इसको मैं दिखा दूँ, ये पास से जा रहा है। रुको, ये क्रैश हो जाएंगे क्या दोनों? नहीं यार ऊपर है वो बहुत, नहीं नहीं देखो गोप्रो लगा शायद, गोप्रो लगा और सामने वो ऊपर बैठा भी रहता है भाई, एक वही मैं कहा लैंड करा दे भाई ऐसा करके। हाँ नहीं तो वो ओरे 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 शिट भाई, तो ये यही राउंड राउंड घूमते रहते होंगे। अरे अच्छे से उतर जाते यार, ये वो नहीं है फिर। ये लोग पता मतलब चलते कहाँ से, ये लोग कूदते हैं ऊपर तब ठीक है। अच्छा भाई हम लोग को पता क्या कर रहे थे, दौड़ा दिया था जीप के साथ वो पैरा सेलिंग हो गया, ये पैरा ग्लाइडिंग है, वो पैरा सेलिंग। हाँ ये पैरा ग्लाइडिंग प्रॉपर। स्की कहाँ से लाते हैं? ऊपर ऊपर स्की पॉइंट में होगा ना, स्की का पॉइंट नहीं, अभी स्नो नहीं है तो स्की कैसे होगी? टॉप पे देखना है, वही तो वो टॉप पे लेके जाए ऊपर। अच्छा रोप वे से ऊपर लेके जाते हैं फिर वहाँ से स्की करवाते हैं। ओके, और पैराग्लाइडिंग का भी सेम है, ऊपर लेके जाते हैं वहाँ से धक्का दे देंगे फिर आ जाओ तुम अपना वीडियो बना के। चलिए एक लड़की इतनी देर से उड़ रही है, इसको कितनी अब भी दौड़ी है ना शायद। कैसे पता है लड़की? पता नहीं मतलब जो भी उड़ रहा है वही बोला, मेरे को तो दिख ही नहीं रही है लड़की वो। जो भी भैया खतरनाक जगह हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद उनने कहीं और भी बोला है ना घुमाने के लिए, कुछ नीचे कहीं पे वो अगर जाना हो तो, लेकिन वहाँ टिकट है, टिकट डांस वगैरह हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हमका टिकट नहीं होगा। इससे अच्छा तो हम लोग खुद ही डांस कर लेंगे। ये आ गया एक और, नहीं नहीं शिट केसर केसर ले लो, केसर केसर 10 रुपए का ले लिया हम लोगों ने ऐसा बोला। क्लब हाउस में
एंट्री फीस है, एंट्री फीस कितनी है? मत जाना, 25 रुपए बहुत घटिया है। मत जाइएगा, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, बस जाना है वापस आना है। 20-25 रुपए की एंट्री है, वहाँ पे एडवेंचर्स वाली चीज हो रही है ना, एडवेंचर्स वगैरह है अपना, मतलब आप कह रहे हैं कि हर चीज के आइटम से कॉस्टिंग ज्यादा है। हाँ, गवर्नमेंट के अंडर लोकेटेड है और यहाँ पे आपको, मेरे को लग रहा है यहाँ पे ये मतलब जो अपनी एज वाले ना वो ज्यादा में दिख रहे हैं मेरे को मनाली में, मतलब ये वाली एरिया में, ओल्ड मनाली में हॉस्टल्स वगैरह कॉटेजेस वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट बहुत कॉस्टली भी है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि यहाँ पे, सजेस्ट कर भी दूं बट अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप चाहते हैं तो फिर नीचे कहीं देख लेना, वो बेटर ऑप्शन है। मॉल रोड के पास तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है, यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत है। मैं दिखाती हूँ, सच में बहुत ठंडा पानी, यहाँ पे जिप लाइनिंग हो रही है वहाँ पे कहीं पे। हाँ, जो हमारे होटल के पास जो ढाबा है, क्या नाम है उसका? बहुत महंगा, बहुत महंगे रेस्टोरेंट है। हमारे होटल के पास जो पास वाला था वहाँ का अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। नाम क्या है उसका? मनाली का कुछ है, मनाली चाट हिडम्बा टेम्पल के बहुत ही पास है, हिडम्बा टेम्पल के बहुत पास है। चेक करना, आज फुल की ट्राई कर रहे हैं हम लोग वहाँ की, ब्रिज क्रॉस करना है ना, ब्रिज क्रॉस करना, कोई सीढ़ी चढ़ के जाना है हमें। तो ये है ओल्ड मनाली, वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद है ना। यहाँ पे यार वो आ रहे थे कैफे वगैरह की फोटोज, रुको मैं दिखाती हूँ कहाँ पे। सी, ये पूरा ओल्ड मनाली साइड आ जाएगा आपका, ये ब्रिज क्रॉस करने के उस साइड है क्लब हाउस, और यहाँ से चढ़ने के बाद हिडिम्बा टेम्पल आ जाएगा, तो वो हमें ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा है। ये भी एक रेस्टोरेंट है, नीचे ये रिवर वगैरह है और यहाँ पे सारी लड़कियाँ फोटो शूट करा रही हैं। सो चलो चाय पीते हैं। ला रही, उसको वापस आना है क्या? उसके फ्रेंड लोग कर रहे होंगे ना, इसीलिए चिल्ला रही है। अच्छा, ऐसा ना करे अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल ऐसा करे, बस डुबा दे और उसकी कार्ड देख रहे। ये कर सकते, आप भी कर सकते हैं, ये हम दोबारा बोले ही ना कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए। नहीं बट ऐसा ना करे, ऐसे भी बताया ना कि एक बार गिरे थे ना, अब बुरा नहीं करना है बेटा, अब बस चलो। मुझे लगता है सारे हॉस्टल्स के बाहर एक डॉग तो रहते ही रहता है, मैं इसको खिलाऊंगी तो मुझे हांड धोने पड़ेंगे ना। अरे यार, भाई यार उसको ठंड लग रही है, मेरे को लग रहा है कहाँ पर आया वो। अरे अंदर ही बैठी थी वो पहले भी। यहाँ की कुत्ते हैं पर फ्रेंडली, मैं अभी तक डर रही थी बट वो बैठा बड़े अच्छे से, तो अच्छे और वो बैठा भी बहुत शांत है यार। उसको बस खाने के लिए चाहिए, हाँ। और बैठे रहा उसके बाद यहाँ पे उसके साथ टाइम स्पेंड कर। या अंधे होके गाड़ी चला रहे हैं लोग यहाँ पे, साइड में आ जाओ। पर नहीं नहीं नहीं, याक पास से देख लो गाइस। यार क्यों वो उसकी नाक में ऐसे बांधते हैं? ये देख लो, याकी सवारी 50 रुपए की है, तो अगर कराना हो तो करा लेना फिर। चाय तो आई जाएगी अब भी। खाना खाने आए हम लोग, बहुत ठंडे और बिना सॉक्स के आ गए हैं। हालत ऐसी हो रही है सबकी। आइसक्रीम के लिए दुकान खुलवाई है भैया हमने रात में, लॉगिन करने लग गए ट्राई करवा रहे क्या, दुकान में लाइट चालू करवाई जाए। ओहो हो, हम लोग के पास अरे ब्लैक फॉरेस्ट भी है, अगर आपको चाहिए हो तो। यहाँ नेडम के आइसक्रीम, चार फ्रॉस्टी, कितना टेम्परेचर कितना चल रहा है? पता नहीं। अच्छा लो भैया, चार आइसक्रीम फ्रॉस्टी, ठंड में हालत खराब है। 7 है फिर भी, साथ में ये आइसक्रीम खाने में वो हो जाना है। हाँ हाँ हाँ, ये है सारी आइसक्रीम सारी। थैंक यू अंकल। अरे टाइम हो जाता है अभी, फोटो ले ली। अरे डालेंगे नहीं, खाते हो जाएंगे। और क्या,
तो गाइस जाने का टाइम हो गया, डे 3 है और अंकल ने हमारी बहुत मदद करी आज भी और कल भी। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं। और अब एक फोटो होगी अंकल के साथ, सभी के साथ। चलो